Hello friends, this is Anant Vats and welcomes you to the India's first science channel Vigyana Karke Seekhe. ये है यहाँ लखनऊ महोत्सव का नजारा। ये है हमारा गेट नंबर वन। जो भोगी करते हैं वो मंत्र शक्ति का यूज करते हैं, हम यहाँ पे मंत्र का यूज नहीं कर रहे हैं। हम डोनेट डॉट के इन सबसे दूर करने के लिए आपको इस हवन कुंड में देसी घी डाल के अग्नि प्रज्वलित करने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी बाबा भी भोगी भी ऐसे ही करते हैं। ये देखो अभी अग्नि प्रज्वलित हुई और हवन कुंड में घी से आग लग गई। आपके पास सारी चीजों का संसाधन आपकी सरकार के पास आपके लिए मौजूद है और हम सब अगर ऐसे चीजों को लेकर सामने जाएं तो आत्मविश्वास से भी दूर होंगे और विकास की तरफ बढ़ जाएंगे। यही मोदी जी चाहते हैं, ये देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं। धन्यवाद। तो बाबा लोग करते हैं, हम नहीं करते। ये ढोंगी पाखंडी जो बाबा है वो लोग करते हैं। उन्होंने कहा देखे पानी गायब हो गया, अब पानी सूर्य देव तो नहीं दे पाएंगे। मैं भागवती से अनुरोध करता हूँ, गंगा जमुना आपके अभी कौन सी नदी है, कौन सी भागवती से अनुरोध करता हूँ। उन्होंने कहा हे गंगा माँ जल दे दीजिए, हे गोमती मैया आप ही कृपा कर दीजिए। अब उन्होंने क्या किया, अभी तक तुम तो घुमाया था, अब उन्होंने क्यों कर दिया। देखिए मेरा हाथ सारा बंधा मान लिया। इस तरह के बहुत सारे तरीके यानी कि एक्सपेरिमेंट तमाम नाम से बाबा इसके अंदर जो है लॉन्ग फूल नारियल डालेंगे। बोले मैं भगवान को अर्पित करता हूँ, भोलेनाथ को जा रहे हैं। यो किया और यो किया, देखिए भोलेनाथ पे ले लिया भाई गंगा सीधे ये हिमालय पर्वत में चला गया। उसके बाद फिर ने कहा भाई ठीक है भोलेनाथ लिया, मैं पार्वती जी से अनुरोध करता हूँ, हे माँ पार्वती जी आप तो कुछ जो है आशीर्वाद दे दीजिए। उन्होंने यूँ घुमाया इधर से आ गया। तो उन्होंने मेरे से कहा कि ये बताइए कि बाबा वहाँ है, एक मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और बाबा जैसे चबूतरे में बैठने लगे और आसन ग्रहण किया तो उनके बैठने के पास से धुआं निकलने लगा है और इतना चमत्कार है कि लोग बाबा की खूब आरती पूजा हो रही है और आप मुझे बताइए धुआं कैसे निकलने लगा। तो हमने कहा ये बताइए आप लोग हैं कहाँ। तो बोले कि हमको खबर मिली, हम तो वहाँ कवरेज किए गए। हमने कहा वो चबूतरे का सर्वे करिए, चबूतरा गोल है चौड़ा नया ताजा कब का। बोले बिल्कुल नया मंदिर नया चबूतरा। हमने कहा चबूतरे में ये बताइए टाइल्स लगी है। बोले हाँ टाइल्स लगी है। हमने बस जब भी टाइल्स पुरानी लगाई जाती थी संगमरमर की वो ज्यादातर चूने से लगाई जाती थी, कच्चा चूना जो होता है छाया जाता है उसके ऊपर टाइल्स जमा दी जाती है, टाइल्स जम गई। हमने कहा वो मंदिर का कहीं से भी पानी पार करके उजरे पहुंच गया बाबा की जगह पे जहाँ पे कच्चा चूना लगा, जहाँ पे कच्चा चूना लगा। वो कच्चा चूने में जब हम पानी डालते तो वो धुआं निकलता है, कार्बन है ना, डाइऑक्साइड बनती है। हमने बस वहां पे यही हो रहा, कुछ नहीं बाबा को कोई चमत्कार नहीं, पता कर लीजिए वो पानी आया कहाँ से और सुराख से निकल कहाँ है। जैसे उनको ये बात बताई वहां पे मीडिया ने इसको कवर किया, कवर ने रात भर उसने चलाया समझिए और दूसरे दिन बाबा का चमत्कार खत्म हो गया है। नहीं बाबा ने कोई ठगाई नहीं की, बाबा ने ठगाई नहीं, बस ये बाबा जो है उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। जी जी ऐसे बहुत जगह बाबा आपने देखा होगी, ये टीवी में बड़े चैलेंज करते, ये बाबा एक डंडे पे बैठे रहते हैं, ये डंडे पे आपको लगे बाबा डंडे में कैसे बैठा हुआ, बाबा ने डंडा ही ऐसे बनवा रखा है। वो डंडा जो है बिल्कुल सीधे है, उसके ऊपर एक रिंग बना रखी है और वो खड़ा हुआ है तो बाबा उसी रिंग पे अपना बिस्तर लगा के बैठे अभी करा जी। तो ये जो चीजें हैं हम लोग यहाँ पे केवल ढोंगी पाखंडी लुटेरे ठगी बाबाओं की बात कर रहे हैं, हम किसी धर्म आस्था की बात नहीं करते कि हम होली सकते हैं, हम भी पूजा पद्धति हैं। विज्ञान कभी नहीं कहता है कि अपनी आस्था विश्वास को मत छोड़, विज्ञान कभी नहीं कहता। बड़े बड़े साइंटिस्ट
दुनिया का प्रॉब्लम किसी भी वैज्ञानिक का नाम है। वो वैज्ञानिक जब उसका एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो क्या होता है, क्या होता है, लैब में उसका एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो जब एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो व्यक्ति कहता है ओ गॉड, कोई मतलब उसने सारी मेहनत की नुकसान हो गई। और जब उसका एक्सपेरिमेंट पास हो जाता है सक्सेस मिलती है तब क्या होता है, ओ माय गॉड होते ना। तो ये सारी चीजें हमारा काम है साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना। आप तो इस चीजों को देखिए समझिए जानिए और अपने गांव अपने नाते रिश्तेदारों को भाई बहनों को सबको बताइए कि बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। कोई भी ऐसा ब्रैकेट नहीं है जो बाबा जानते हो और हम नहीं जानते। आपको कहीं कुछ लग रहा है कि मेरे गांव में आपने या कि बाबा ने ऐसा किया मैं कर सकता हूँ, आप यहाँ भी ओपन हमारी प्रयोगशाला खुली है, आप यहाँ खुद एक्सपेरिमेंट करिए। एक्सपेरिमेंट नहीं है तो हमारी यूनिवर्सिटी का है रोड़ी घूमने की, ये खुद डॉक्टर दिखाएंगे बताएंगे उसका मिशन। थैंक यू। जब आप शारीरिक सौंदर्यता बढ़ानी होती है तो आप जिम में जाते हैं, लेकिन जब आपको पर्सनैलिटी तो इम्प्रूव करनी हो साथ साथ ही मानसिक पर्सनैलिटी इम्प्रूव करनी हो तो आप कहाँ जाएंगे? उसके लिए आपको जाना होगा विज्ञान के जिम में। देश का पहला विज्ञान जिम कहें या यो कहें कि देश का पहला विज्ञान चैनल है विज्ञान आओ करके सीखे। प्रगति विज्ञान संस्था का यह चैनल अपने आप में एक विज्ञान जिम है जहां पर आपकी और आपके बच्चों की मानसिक पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती है। क्या आप शिक्षक हैं, छात्र हैं और विज्ञान संचारक हैं और चाहते हैं कि आपके स्कूल आपके गांव और आपके शहर की खबर चले हमारे चैनल पर और बनना चाहते हैं आप विज्ञान रिपोर्टर तो संपर्क करें व्हाट्सएप पर 9358414442 या फिर मेल करें pvsuniverse@gmail.com पर। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।